हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको पॉपकॉर्न की रेसिपी। यहाँ पे मैंने तीन अलग तरीके की फ्लेवर पॉपकॉर्न बताई है, सारे के सारे बहुत ही इजीली घर पे बन जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर को गैस पे चढ़ाएंगे। जैसे ही कुकर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे तेल। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल जब तक गर्म होता है, यहाँ पे मैंने 3/4 कप कॉर्न कर्नेल लिया है। तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद कॉर्न कर्नेल को हम तेल में डालेंगे, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में कम से कम 30 या 40 सेकेंड के लिए ऐसे चलाते हुए पका लेंगे। यहाँ पे मैंने बटर इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि बटर कभी कभी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वो एक जला हुआ टेस्ट देता है, तो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। तो अभी 30-40 सेकंड जब हो जाएंगे इसके बाद हम जो कुकर का ढक्कन है इसे इस तरह से लगा देंगे। सीटी और रबर आप निकाल लें और फ्लेम को आप थोड़ा सा हाई कर दें। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे जो कॉर्न कर्नेल्स है वो ऐसे ही पॉपकॉर्न बनते जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखें क्योंकि उछल के कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं। और बस इसे 4 से 5 मिनट लगेंगे, इनफैक्ट उससे भी कम टाइम लगता है इसे बनने में। और जब ये पॉपअप की जो साउंड है वो बंद हो जाएगी उसके बाद ही आप गैस ऑफ करें और ये पॉपकॉर्न बनके आपका तैयार है। इसे एक बोल में ले लें। ये जो पॉपकॉर्न है सिंपल सॉल्टेड है, गरम गरम बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसे आप इवनिंग स्नैक के तौर पर खा सकते हैं या फिर घर पर कोई मूवी देख रहे हैं तब भी खा सकते हैं, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम बनाएंगे चीज़ पॉपकॉर्न। इसके लिए जो सिंपल सॉल्टेड पॉपकॉर्न है उसमें आपको डालना है चीज़ पाउडर। ये जो चीज़ पाउडर है इसे अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदा है, बहुत ही ईजीली मिल जाता है वहाँ पे। और इसे बस आपको पॉपकॉर्न के साथ मिक्स करना है। तो जितनी क्वांटिटी की आप पॉपकॉर्न ले रहे हैं उस हिसाब से आप चीज़ पाउडर एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो पॉपकॉर्न है इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे हम लोग थिएटर में जब मूवी देखने जाते हैं, जब हम लोग चीज़ पॉपकॉर्न खाते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है। और कितनी सिंपली बन गई, बस आपको चीज़ पाउडर लाना है और उसे ऐड करना है। बच्चे तो बहुत मतलब मज़े ले लेके खाते हैं। और कभी कभी हम लोग जब पिकनिक पर जाते हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तभी इसे आप बॉक्स में टिफ़िन बॉक्स में लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैरामल पॉपकॉर्न। इसके लिए एक सॉस पैन में हम डालेंगे शुगर और शुगर को हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम में मेल्ट होने तक पकाएंगे। ये जो स्टेप है ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत धीरे धीरे आपको करना है। फ्लेम बिल्कुल भी आपको हाई नहीं रखना है नहीं तो वो जो चीनी है वो जल सकती है। बिल्कुल लो फ्लेम में इसे पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा आप गैस ऑफ कर दें और उसके बाद जो पॉपकॉर्न है सॉल्टेड पॉपकॉर्न है उसे आप ऐड कर दें। जैसे ही आपने ऐड करा इसको आपको जल्दी से इसे स्टर करना है। जब चीनी मेल्ट रहेगी मतलब मेल्टेड होगी, गर्म रहेगी तभी आपको ये स्टेप करना है, तो इसे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा अदरवाइज जो चीनी है वो हार्ड होती जाएगी तो अच्छे से कोट नहीं होगी। और ये चिपचिपी थोड़ी आपको दिख रही है, ये सारा मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे तुरंत ही हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्टिकी बन गई है, पर कोई बात नहीं, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे इजीली हाथ से अलग कर सकते हैं। तो इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब ये ठंडा हो गया है और इसे आप इस तरह से तोड़ के अलग कर लें। इसका भी जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये जो सारा पॉपकॉर्न है इस तरह से हम अलग कर लेंगे और उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। तो आपने देखा कि कितनी इजीली सारे पॉपकॉर्न बन जाते हैं घर पे। आप ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।